हाय गाइस, माय नेम इज़ लक्ष्मी। चलिए गाइस, अब चलते हैं अपने नए वीडियोस में। चैप्टर 2, लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स माइनस 2 इक्वल 7। देखिए गाइस, हमने इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, हमें पहले ये देखिए इक्वेशन को हम अलग कर देंगे। ये हमारा एक्स, एक्स के बाद हमें इक्वल करना है ये 7। ये 2 साइड माइनस का 2 है, ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2। तो एक्स की इक्वेशन निकली है 7 + 2 = 9। गाइस, सेकंड क्वेश्चन सेम एज वाई प्लस 7 = 10। हमें पहले इक्वेशन वाई साइड कर देंगे इक्वल 10। नंबर को नंबर के साइड लेके जाएंगे, ये प्लस का 3 है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो y इक्वल प्लस के 10 में से माइनस 3 सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे प्लस के 7। सेम गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 6, अब देखिए गाइस, ये 6 इधर है, ये नंबर 2 इधर है, ये जब डायरेक्शन इस साइड चेंज करेगा तो ये प्लस के 2 माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वल z। प्लस के 6 में से माइनस के 2 चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस के 4 इक्वल जेड। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। 6 इक्वल ये प्लस के 2, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये हो गया माइनस का 2 इक्वल जेड। तो प्लस के 6 में से माइनस के 2 सब्ट्रैक्शन हमने कर दी, हमारे पास आया 4 इक्वल जेड। जेड इक्वेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास जेड इक्वल 4। सेम गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, हम इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। 3/7 प्लस एक्स इक्वल 17/7। तो देखिए गाइस, ये एक्स को हम पहले ले लेंगे, एक्स इक्वल हमारा है 17/7। अब जो 3/7 है, इसके डायरेक्शन ये इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाय 7। तो एक्स इक्वल गाइस 17 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 14। 14/27 है तो 17 ले लेंगे। ये देखिए गाइस, 7 के टेबल में आता है 7 और 14, तो 7 के टेबल से हम इसको कट कर देंगे। 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14। तो एक्स इक्वेशन की वैल्यू आ गई है 2। सेम गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, 6x = 12। तो देखिए गाइस, ये एक्स वैल्यू है, एक्स को हम इधर रख देंगे इक्वल 12। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने पे डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ये देखिए गाइस, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है, तो हम इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर देंगे। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 12। तो इक्वेशन निकल आया हमारा x = 4/3। अब ये किसी के टेबल से नहीं कटेगा तो ये हमारा सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 6, t/5 = 10। ये हमारा गाइस क्वेश्चन है, हमें t की वैल्यू निकालनी, तो t इधर आ जाएगा इक्वल 10। ये गाइस यहाँ पे डिवाइड है t/5, इसका मतलब ये डिवाइड है। जब ये इस डायरेक्शन में आएगा तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 5। तो t की इक्वेशन निकली है 10 × 5 = 50। सेम क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो सेम, बिल्कुल ऐसा ही करना है। 2x/3 = 18, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 2x इक्वेशन है, तो 2x को हम पहले ले लेंगे इक्वल 18। गाइस यहाँ पे डिवाइड है तो ये इस डायरेक्शन में आके ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 2x = 18 × 3 = 54। अब ये 54 आ गया, हम x की इक्वेशन निकालनी है तो x को हम यहाँ छोड़ देंगे, x = 54 / गाइज यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये इस डायरेक्शन में आएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गाइज हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कैरी 1, 2 × 7 = 14। तो x इक्वेशन आ गया हमारे पास 27। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 1.6 = y / 1.6।
अब हमें वाई इक्वेशन निकालना है, तो वाई को हम इधर रख देंगे इक्वल वन पॉइंट, ये डिवाइड है तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 1.6। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 1.6 6 5 जो 30 0, कैरी 3, 6 1 जो 6 प्लस 3 हो गया 9, 1 5 जो 5 1 1 जो 1 ये 0, 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी 1 ये आ गया गाइस 2 4 0। ये देखिए गाइस डॉट के बाद देखते हैं कितने वर्ड, डॉट के बाद 1 इधर है, डॉट के बाद 1 इधर है, तो 1 2 2 वर्ड के बाद ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो हमारी वाई की इक्वेशन आ गई है इक्वल 2.40। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, 7x-9=16। तो 7x हमारा वैसे का वैसा रहेगा इक्वल 16। देखिए गाइस ये 9 नंबर इस साइड जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो साइन भी इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे -9 है, ये डायरेक्शन चेंज होने पे ये प्लस का 9 बन जाएगा। 7x=16+9 होते हैं 25। तो x=25 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा बाय 7, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम करना है, 14y-8=13। तो 14y वैसा का वैसा इक्वल 13, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा प्लस प्लस का 8। 14y=13+8 हो जाएगा 21। तो y की वैल्यू ये इक्वेशन निकल गई हमारे पास 21 बाय ये मल्टीप्लाई तो इधर आ जाएगा ये 14, डिवाइड में करना ये हमारे 2 के टेबल 37 से कट जाएगा गाइस, 7 के टेबल में 14, 7 2 जो 14, 7 3 जो 21। y की इक्वेशन आ गई है 3/2। सेम क्वेश्चन नंबर 11, 17+6p=9। 6p हम पहले लेंगे, 6p=9, ये प्लस के 17 है, ये डायरेक्शन चेंज होगा तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 17। 6p-17 में से 9 हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, हमारे पास बचेंगे माइनस के 8, क्योंकि माइनस का साइन ज़्यादा है इसलिए, तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो p इक्वल आ जाएगा हमारे पास -8 बाय मल्टीप्लाई ये इधर आएगा तो डिवाइड में, गाइस 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो हम 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 3 जो 6 2 4 जो 8। तो p इक्वेशन आ जाएगा -4/3। ये सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही करना है, x/3+1=7/15। तो हमें सिर्फ इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन को हम पहले ले लेंगे, x/3=7/15। ये गाइस प्लस का 1 है तो ये डायरेक्शन चेंज होने पे माइनस का 1 हो जाएगा। तो x/3 ये देखिए गाइस यहाँ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 कर देंगे। अब ये इसका हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जो 7 -15 1 जो 15, 15 का 1 से हुआ 15 1 जो 15। 15 में से 7 सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारे पास बचेगा -8/15। वाइस 8/15 हमारे पास बचा। आप देखिए हम x की वैल्यू निकाली तो x है ना, x को हम यहीं छोड़ देंगे इक्वल -8/15, ये डिवाइड है तो इधर आ गया, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो गाइस हम इसको 3 से काट देंगे, 3 1 जो 3 3 5 जो 15, हमारे पास आ गया x=8 1 जो 8 -8/5, ये हमारा सॉल्व हो गया।
गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।